नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग पब्लिक रिव्यू की। पब्लिक रिव्यू कौन सा? जो हम अलग अलग जगह पर जाकर कलेक्ट कर चुके हैं और उसमें एक बहुत ही खास चीज पर बात होने वाली है, औरंगाबाद विधानसभा सीट को लेकर, कि आखिर इम्तियाज जलील के बारे में लोग क्या सोचते हैं और उन्हें वोट क्यों देना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। चैनल को अब तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो जाइए जल्दी से देखिए। पूरे महाराष्ट्र में दलितों और मुसलमानों के हक में आवाज उठाने के लिए जाने जाने वाले इम्तियाज जलील और साथ ही में उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर थे, मगर 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो उनके हक में कुछ खास आया नहीं। काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स ने मिलकर उन्हें गिराने की पूरी कोशिश की, और पार्लियामेंट में अगर आपने स्पीचेस सुनी होगी इम्तियाज जलील की तो आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही संगीन मौजूदात पर अपनी आवाज उठाई है और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर हमेशा सवाल करते रहे हैं। आमतौर पर लोगों को चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, उन लोगों का ये होता है कि यार चलो ठीक है, इलेक्शन आ रहा है, देखते हैं किसको वोट डालना है किसको नहीं वोट डालना है। मगर इस बार 2019 के विधानसभा चुनाव में एक खास बात यह है, क्योंकि औरंगाबाद ईस्ट की जनता भी इंतजार कर रही है कि विधानसभा चुनाव कब आएगा। क्यों? क्योंकि वहां से जो 2019 के लोकसभा MP थे इम्तियाज जलील, वो चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। इसका रीजन क्या है, जनता क्यों इंतजार कर रही है? असल में जब इम्तियाज जलील खासदार बने थे तो उस समय उन्होंने लोगों तक साफ पानी पहुंचाना, सड़कें, उनकी सेहत और जो भी चीज़ें मुमकिन हो सकती थी, जो एक आमदार के हिस्से में भी काम आते थे, उसके इख्तियारात में भी, वो भी काम उन्होंने किए। इम्तियाज जलील ने पिछले 5 साल में जब वो खासदार थे तो उन्होंने सांसद में कई बार शहर की कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने के लिए आवाज़ें बुलंद की, और साथ ही में उन्होंने मुंबई के लिए, पुणे के लिए मार्ग और शिरडी के लिए एक्सप्रेसवे और कार्गो, ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए फंड्स मंजूर करवाए, और ये सारे कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं और इसका लाभ आज तक भी जनता को हो रहा है, और जो फंड्स मंजूर हुए हैं उसके लिए आज भी काम जारी है। अब इस चीज़ के साथ साथ इम्तियाज जलील ने पिछले कई सालों में लोगों की सेहत का भी खास ख्याल रखा है। अब इसमें जालना रोड पर जो 400 बेड का हॉस्पिटल है वो इम्पोर्टेंट है, जो उन्होंने तामीर करवाया था, और साथ ही में जो शाहगंज में एक 200 बेड वाला औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए हॉस्पिटल तामीर करवाया था। तो ये कई सारे रिमार्केबल काम हैं जो आज भी जनता के जहन में छपे हुए हैं, तो कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं। अब ख़ास तौर से इम्तियाज जलील का जो एक कारनामा है वो पिछले 5 साल में दुआ बैंक के ज़रिए से 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को मेहंदी डिज़ाइन, टेलरिंग, कंप्यूटर जैसे स्किल्स सिखा चुके हैं। इस चीज़ ने औरतों को खुद मुख्तार बनने में बहुत ज़्यादा मदद की है, और साथ ही में इतना ही नहीं बल्कि अपने फाउंडेशन के ज़रिए से उन्होंने कई सारी महिलाओं को टेलरिंग मशीन जैसी चीज़ें भी दी, जिससे वो अपना खुद का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर ज़ाती एक छोटा सा कारोबार शुरू कर सकें। महिलाओं को लेकर ये ख़ास तौर पर ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हाल ही में जो मुद्दा पूरे महाराष्ट्र भर में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा है इम्तियाज जलील का, जो फील्ड पे हम लोगों को चीज़ सुनने में मिली है, रामगिरी महाराज का जो गुस्ताख़े रसूल वाला बयान था, जिसके बाद इम्तियाज जलील ने उसकी जम के मजम्मत की, और यही नहीं, चलो मुंबई वाली जो उनकी रैली थी उनकी एक सदा पे हज़ारों मुसलमान सड़क पे जमा हो गए, ये उनका कारनामा एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में ये लिखा जाएगा। ये चीज़ लोगों के दिमाग में आज भी छपी हुई है। शिंदे सरकार से उन्होंने मुतालबा भी किया कि रामगिरी महाराज पर कड़े से कड़े इकदाम उठाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नीतीश राणे की जो हर वक्त अपने ज़ुबान से जहर उगलते रहते हैं, उसकी भी कड़े अल्फाजों में उन्होंने मजम्मत की। इन चीज़ों ने इम्तियाज जलील को अवाम में एक हीरो के तौर पर आप कह सकते हैं कि उनके छवि बना दी है, और लोग कहीं ना कहीं ये कहते हुए नज़र आते हैं कि पार्लियामेंट में हो या फिर छोटे स्तर पर हो, जो मुस्लिम समुदाय के हक में और दलितों के, पिछड़ों के और मजलूमों के हक में अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उसका नाम है इम्तियाज जलील। खैर, ये थी जर्नलिस्ट मज़र की रिपोर्ट। आखिर क्यों दे लोग इम्तियाज जलील को वोट?
आप देंगे या नहीं वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लो यार, छोटी सी तो बात है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।